The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Very important topic today, silent heart attack. What is a heart attack? Aap sabko pata hai. हार्ट के अंदर खून की नसें हैं, खून की नसों में जब भी कोई डैमेज होता है, अगर वहां पे खून की नसों में कोई एक नस ब्लॉक हो गई और वो नस के आगे कहीं पर खून नहीं जा रहा है तो वो आगे का हिस्सा डैमेज होगा, अटैक होगा, राइट। नाउ व्हाट इज अ साइलेंट हार्ट अटैक? मान लीजिए उसी हिस्से में जहां पे खून की नस ब्लॉक हो गई, जाने वाली इलेक्ट्रिकल नसें भी मान लीजिए ब्लॉक है, मतलब वहां की इलेक्ट्रिकल नसें किसी कारणवश काम नहीं कर रही है, मान लीजिए डायबिटीज हो, मान लीजिए नसें खराब हो, B12 डेफिशिएंसी हो, सिवियर कोई मायोकार्डाइटिस या कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोई नस खराब हुई हो, देयर कैन बी अदर रीजन ऑल्सो। ज्यादातर केसेस में डायबिटीज, क्रोनिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक उसका कारण होता है। सो आपको साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स में ज्यादातर साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है बेसिक कि साइलेंट हार्ट अटैक मिलेगा कैसा, पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल पहचानेंगे कैसे, सिम्टम क्या होंगे और क्या करना चाहिए आपको। सो हार्ट का काम है पंप करना और वो लगातार करेगा, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा तो आप रुकेंगे, है ना। तो आपका हार्ट रुकेगा नहीं चाहे उसमें साइलेंट हार्ट अटैक हो जाए, अगर हार्ट रुकेगा तो आप रुकेंगे, याद रखिए। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट पंप करते 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 हार्ट के एक हिस्से को, मान लीजिए एक हिस्से को अटैक हो गया, तो वो एक हिस्सा काम करना कम हो गया, पहले तो पूरा कर रहा था, अब वो कम काम कर रहा है, वो हिस्सा बाकी सब काम कर रहे हैं, और इतना ज्यादा अटैक हो गया कि वो हिस्से का एक्टिविटी डेड हो गई, वो हिस्सा मर गया, तो वो हिस्सा काम नहीं करेगा, बाकी हिस्सा काम करेगा। वो हिस्सा कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी कितनी बची। नॉर्मल हार्ट जितना ब्लड एक बार में भरता है, वो ब्लड जो भरता है, उस 100 ml ब्लड अगर वो 100% जितना भी भरेगा, उसमें से 60% 55, 60, 70, मतलब 55% के ऊपर एक बार धड़कने में ब्लड बाहर पंप करता है। अब अगर एक हिस्सा काम नहीं करेगा तो वो 60% से 55% से भी कम करेगा, कितना करेगा, अगर ज्यादा, अगर छोटा सा हिस्सा काम नहीं करेगा, हो सकता है 45% काम करे, पंप करे, हो सकता है 50% करे, अगर बहुत ज्यादा हिस्सा काम ना करे, थोड़ा सा हिस्सा काम कर रहा है हार्ट का, तो हो सकता है 30% काम करे, हो सकता है सिर्फ जरा सा काम कर रहा है तो सिर्फ 20% काम करे, राइट। सो इसी तरह से हार्ट फेल होता है, सो हार्ट की पंपिंग पावर कम होती है जब साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब यही है कि आपको पेन नहीं हुआ, जीरो पेन नहीं हुआ, दर्द ही नहीं हुआ, मगर हार्ट अटैक हो गया, हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो गया। सो आपको पहचानोगे कैसे जिस समय साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा, कोई सिम्टम नहीं आता, कई बार कोई सिम्टम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कई बार हार्ट साइलेंट हार्ट अटैक है, दर्द नहीं हो रहा, लेकिन हार्ट की पंपिंग पावर तो कम होगी। जब पंपिंग पावर कम होगी तो उस समय हार्ट का एक्ट, बाहर निकलने वाला ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हार्ट की पंपिंग पावर कम होगी तो हार्ट क्या करेगा, एक बार में अगर 60 ml की, 60% की जगह 30% पंप कर पा रहा है तो वो डबल धड़कने की कोशिश करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा तो हार्ट तेज धड़केगा, तो एक साइन है उसका तेज धड़कना, मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज के साथ घबराहट हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, आपको छाती में दर्द हो ना हो, इन सब साइंस के साथ कोई रिस्क फैक्टर है तो हार्ट के टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राफी कराने चाहिए, ट्रोपोनिन आई नाम का टेस्ट होता है वो कराना चाहिए। तीन टेस्ट के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। फर्स्ट इज ECG जो ऑलमोस्ट सब कराते हैं भाई हार्ट का, तो हार्ट के लिए ECG तो करते हैं। सेकंड टेस्ट है आपका इकोकार्डियोग्राफी, जो पंपिंग होते हुए हार्ट दिखता है, पावर, पंपिंग पावर दिखता है, वो इकोकार्डियोग्राफी में दिखता है, दैट इज एन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी है हार्ट की, जिसमें हार्ट के चारों तरफ से दिखते हैं, तो अगर कोई एक हिस्सा काम नहीं कर रहा तो वो हिस्सा कम काम करते हुए इकोकार्डियोग्राफी पे दिखेगा। एंड थर्ड टेस्ट इज योर ट्रोपोनिंस। ट्रोपोनिंस आर एंजाइम्स जो के हार्ट के अंदर होते हैं, हार्ट के मसल्स के अंदर होते हैं। सो जब भी हार्ट के मसल्स को कोई भी डैमेज होता है तो ये एंजाइम्स ट्रोपोनिंस बढ़ जाते हैं।
तो ट्रोपोनिन्स बढ़े हुए आ सकते हैं अगर आपके हार्ट में हुआ डैमेज। तो अगर आपको हार्ट अटैक आया तो जिस समय हार्ट अटैक आएगा वैसे ही आपके हार्ट के मसल से एंजाइम्स निकल के खून में आएंगे। ये एंजाइम्स एकदम तुरंत एक सेकंड अटैक आया उसी सेकंड डिटेक्टेबल नहीं होंगे। आजकल हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन टेस्ट होते हैं, HS हाई सेंसिटिविटी वाला ट्रोपोनिन टेस्ट जो होते हैं उनको कम से कम 2 घंटे लगते हैं। मतलब अटैक आया, अटैक के मतलब पसीना आया, घबराहट हुई, दिक्कत हुई, वट एवर इट इज, उसके 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे बाद आप टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए उसको 2 बार करते हैं, एक बार पहले, एक बार 6 घंटे के बाद। ठीक है, वो हाई सेंसिटिविटी नहीं हुआ तो उसको 4 से 6 घंटे लगते हैं, इसलिए 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट करते हैं टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट जरूर जरूर कराएं जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम डिटेक्ट हो या रिस्क हो। और हार्ट साइलेंट अटैक आता है तो हार्ट फेल होगा, हार्ट फेल होगा तो हार्ट की पंपिंग पावर कम होगी आपकी। अगर आगे बाहर हार्ट पंप नहीं करेगा, बाहर नहीं पंप करेगा, तो जहां से हार्ट में ब्लड आ रहा है वहां ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कहां से आता है हार्ट में ब्लड? आपके फेफड़ों से। हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है वो वाला खून फेफड़ों में जाता है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन भर के हार्ट में आता है, वो खून ऑक्सीजन भरा हुआ खून आपको पूरी बॉडी को फेंकता है हार्ट, राइट। सो अगर हार्ट आगे नहीं फेंक पाएगा या आधा ही ब्लड फेंकेगा तो आधा हार्ट में रुकेगा, आधा पीछे रुकेगा, पीछे कहां, लंग्स में रुकेगा। तो लंग्स में ज्यादा प्रेशर हो जाएगा आर्टरीज में, तो वहां पे खून जो है खून में से पानी बाहर छूटने लगेगा, तो लंग्स में पानी भरने लगेगा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऐसी चीजें होगी, आपको सांस फूलेगा। सो द बिगेस्ट साइन, कई बार बड़ा बात बता रहा हूं, बड़ी बात, कई बार साइलेंट हार्ट अटैक का पेशेंट सिर्फ सांस में दिक्कत हो रही करके आता है, सांस फूल रही बस। क्या कब फूलती है ज्यादा? जब चलते हैं तो ज्यादा फूलती है, लेटते हैं तो फूलती है, हार्ट पैरों में सूजन आती है, राइट। ये साइन है हार्ट फेलियर के, ये सब साइन है हार्ट फेलियर के। सीधे लेटने में सांस फूलना, रात को कभी कभी सांस फूलते हुए एकदम उठ जाना, और चलने फिरने में सांस फूलना, ये हार्ट फेलियर का साइन है। ज्यादातर हार्ट फेलियर में होता है, और भी कारणों में हो सकता है, खून की कमी में हो सकता है, एनीमिया में हो सकता है, राइट। अल्टीमेटली खून में ही तो ऑक्सीजन होता है, या तो हार्ट ही कम पंप कर रहा है तो खून आगे कम जाएगा, या खून ही कम है ना। सो आपको बीमारी को इस तरह से समझना जरूरी है ताकि अगर आपको कभी साइलेंट अटैक आए, अगर आप डायबिटिक हैं, मदर डायबिटिक है, फादर या कोई भी जान पहचान का कोई डायबिटिक है, उनको ये नॉलेज हो कि टेस्ट कौन से करने हैं, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रोपोनिन टेस्ट, ये 3 टेस्ट जरूर करने हैं जब भी पसीना, घबराहट, सांस फूल रहा है। और हार्ट अटैक साइलेंट होगा तो उसका सिम्टम क्या आएंगे? पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, या सिर्फ मामूली सांस फूल सकती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक्चुअल अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये हार्ट अटैक है, तो तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना है, आपको खून पतला करने की दवाएं दी जाएगी, आपको खून पतला करने की गोलियां और इंजेक्शन दोनों दिए जाएंगे, दिल की धड़कन कम करने की गोली दी जाएगी क्योंकि धड़कन बढ़ेगी तो हार्ट पर स्ट्रेस बढ़ेगा, इसलिए धड़कन कम करने के लिए, और साथ ही ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, हार्ट के अंदर ऊपर का प्रेशर, लंग से पानी निकालने के लिए डायूरेटिक्स। सो ये सारे ट्रीटमेंट होता है हार्ट फेलियर का, हार्ट अटैक का। अगर एक्यूट अटैक है, ECG में मेजर गड़बड़ है, इको में गड़बड़ है, ट्रोपोनिन पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अपने आप में एक ट्रीटमेंट है। एंजियोग्राफी में आपको देखा जाता है कि वेयर इज द प्रॉब्लम, कितना परसेंट ब्लॉकेज है, एंड एंजियोप्लास्टी उसको खोला जाता है, स्टेंट डाला जाता है। सो ये हुई बात आपकी अबाउट साइलेंट हार्ट अटैक।